हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। माय नेम इज अनुराधा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एफकैट 2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एग्जाम था वो ऑलरेडी हो चुका है। सो आई होप द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एफकैट 2020 एग्जाम हैज परफॉर्म्ड क्वाइट वेल इन द एग्जाम। और जो लोग सेकेंड शिफ्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं जो कि कल होने वाला है, फॉर देम दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, और वो है एफकैट 2020 एग्जाम एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी सेशन में कि एग्जाम कैसा हुआ था, जिन लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे चुके हैं, क्वेश्चंस कैसे थे, डिफिकल्ट थे, हार्ड थे, ईजी थे, कैसे थे। सो दोज पीपल हु आर वेटिंग टू टेक देयर एग्जाम टुमारो कैन टेक द हेल्प ऑफ टुडेज सेशन दैट वी आर गोइंग टू कवर ऑन एफकैट 2020 एग्जाम analysis, right? So before we go on to analyze how AFCAT 2020 exam was, let me tell you now that you can prepare not only for AFCAT examination but also other kinds of defense competitive examinations like NDA, CDS, CDS OTA, Territorial Army and INET, and many more just by visiting our website ssbcrackexams.com, right? तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि courses से हमारे जैसे कि AFCAT के है, CDS, NDA के है, बहुत सारे defense competitive exams के लिए courses है, तो आप वो courses checkout कर सकते हैं। और AFCAT के लिए हम लोगों ने बहुत सारे subjects जो है वो cover किए थे, daily current affairs से लेकर numerical ability, reasoning, English, static GK और बहुत कुछ। तो हम लोगों ने YouTube के चैनल, हमारे जो YouTube के चैनल है SSB Crack Exams में, वहाँ पे हम लोग एक सीरीज भी स्टार्ट किए थे फॉर AFCAT 2020 एग्जाम्स, और इंग्लिश के ऊपर था वो और मैथ्स के ऊपर भी थे। तो जिन लोगों ने वो सीरीज देखे हैं, तो आई होप दैट दोज क्वेश्चंस, द एमसीक्यूज दैट वी डिस्कस देयर रियली हेल्प्ड यू इन योर फर्स्ट शिफ्ट ऑफ AFCAT 2020 एग्जाम्स, राइट? तो आप हमारे वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब फॉर द कोर्सेज यू कैन यूज़ द कोड वॉरियर 10 टू गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन ऑल आर कोर्सेज। तो हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के नाम पे, वहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स को पूछे थे कि एग्जाम्स कैसा गया है, उसके बारे में कुछ फीडबैक लिखने के लिए, कुछ कमेंट करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव गॉट सम स्टूडेंट्स फीडबैक ऑन एफकैट 2020 फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आई होप दिस विल हेल्प यू। तो यहाँ पे देख सकते, एक स्टूडेंट ने लिखा है बहुत अच्छा, फिर दूसरे ने लिखा सो गुड, थर्ड ने लिखा अच्छा, एंड देयर इज अ थम्स अप, दैट मीन्स the person has really really performed well in the exam, aur fir kisi aur ne likha hai simple tha. So let's take a brief overview of what AFCAT 2020 exam was and how many questions came from what sections. To jaise ki aap jante hain ki AFCAT ke jo exam hai basically wo Indian Air Force conduct karte hain, right? It's conducted twice a year for people who want to join the Indian Air Force. और ये AFCAT के जो examination है वहाँ पे चार sections के ऊपर written exams होते हैं। जैसे पहला है आपका numerical ability यानी कि maths, second reasoning and military aptitude, third है English यानी कि verbal ability पे, और fourth section है general awareness यानी कि general knowledge GK। तो ये चार sections से आपके questions आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पाई जो chart है, इसमें हम जो है four sections में divide किया गया है। Now don't think कि हमेशा चार sections से equal number of questions आते हैं, कभी कभी they differ. So there are no fixed number of questions from each section. कभी English में 25 आता है तो कभी 27. But overall the total questions that come for your AFCAT examination is 100. तो इस साल AFCAT 2020 में भी 100 total questions आए थे चार sections मिला के। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक question में 3 marks रहता है, one question carries 3 marks, और negative marking भी रहती है, तो negative mark आपका है 1 mark negative marking होता है अगर आपने गलत जवाब दे दिया है तो। सो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, और एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए 3 मार्क्स विल बी रिवॉर्डेड टू यू। तो टोटल मार्क्स आपका है 300 फॉर 100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स इन टोटल फॉर AFCAT।
फॉर ई के टी, जो ई के टी होता है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स में से जो स्टूडेंट्स आते हैं, और क्वेश्चंस भी टेक्निकल फील्ड से ही पूछे जाते हैं ई के टी में, तो ई के टी में आपका टोटल क्वेश्चंस रहता है 50. तो यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट? सो 50 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी टोटल आपका मार्क्स होता है 150 फॉर ई के टी, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ कितने होंगे. सो बहुत स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि चलो एग्जाम तो दे दिए हैं, तो कट ऑफ कितने होंगे. तो इसके लिए हमें कुछ एनालिसिस करनी होगी, एंड दैट इज व्हाई आई विल शो यू सम एफकैट प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ मार्क्स. लास्ट 5 साल के कट ऑफ मार्क्स को हम एनालाइज करेंगे, और एक एनालिसिस के बाद कुछ कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि एक्सपेक्टेड प्रेडिक्ट करेंगे कि इस साल एफकैट के जो कट ऑफ मार्क्स वो कितने होंगे. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एफकैट 2019 में एफकैट में कट ऑफ था 142 और ईकेटी में था 50. एफकैट 2019 में एफकैट का कट ऑफ 133 था और ईकेटी में था 50. अगेन AFCAT 2019, the AFCAT cutoff was 140 and in ECAT it was 55. In AFCAT 1 2018, AFCAT cutoff was 155 and ECAT cutoff was 60. AFCAT 2 2017, the AFCAT cutoff was 160, ECAT cutoff was 60. AFCAT 1 2017, AFCAT cutoff was 150, ECAT cutoff was 60. Then moving on to AFCAT 2 2016, AFCAT cutoff was 148, ECAT cutoff was 60. AFCAT 1 2016, AFCAT cutoff was 132, EKT was 52, and for AFCAT 2 2015, AFCAT cutoff was 144, EKT cutoff was 52, and AFCAT 1 2015 के paper में AFCAT का cutoff था 126, whereas EKT में था 55. तो आप देख सकते कि last 5 years के एक कट ऑफ की एनालिसिस करने के बाद वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि इस साल का जो कट ऑफ होगा, वी कैन इजिली एक्सपेक्ट अ कट ऑफ मार्क्स फॉर एफकैट अबाउट 150. तो 150 का एक कट ऑफ मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते, इजिली प्रेडिक्ट कर सकते कि इस साल होगा एफकैट में. और अगर आप ईकेटी के बारे में जानना चाहते हो, तो द एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर ईकेटी 2020 विल बी 50. तो एफकैट में 150 होगा 150 एंड ईकेटी 50, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे थे, क्वेश्चंस कैसे आए थे, किस लेवल के डिफिकल्टी मतलब क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, किस लेवल्स के डिफिकल्टी थे उस क्वेश्चंस में. सो लेट्स टेक अ लुक इनटू एफकैट 2020 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. तो हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश यानी वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस से, और डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश के लिए था मॉडरेट टू एडवांस्ड. वोकैबुलरी जो सेक्शन था, यानी कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था. सो द पीपल हु टुक द एग्जाम, दे सेड दैट द इंग्लिश वोकैबुलरी वॉज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग अफेयर, क्योंकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, बट ओवरऑल मॉडरेट क्वेश्चंस ही पूछे गए थे फ्रॉम इंग्लिश. जनरल अवेयरनेस यानी जीके के लिए दोज पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस इन जीके, उनके लिए ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे. पर जिन लोगों ने उतना ध्यान से स्टडी नहीं किया है, जीके उतने ध्यान से फॉलो नहीं किया होगा, उन लोगों के लिए ये थोड़ा एडवांस, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे फ्रॉम जीके, राइट? फ्रॉम जनरल अवेयरनेस. सो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस फॉर जनरल अवेयरनेस रेंज्ड फ्रॉम मॉडरेट टू एडवांस्ड. और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स में बहुत लोगों ने प्रैक्टिस किए थे मैथ्स के क्वेश्चंस, तो बहुत लोगों ने ये लिखा है, बहुत स्टूडेंट्स ने ये फीडबैक दिया हमें कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे. बट अगेन आउट ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस यूजुअली कम ट्रिकी इन एफकैट फ्रॉम न्यूमेरिकल एबिलिटी फ्रॉम मैथ्स. तो आप इसको इजीली बोल सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था मैथ्स से, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी से. एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस जो थे मिलिट्री एप्टीट्यूड जो है, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के डिफिकल्टी में थे, राइट? सो ओवरऑल पेपर, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ एफकैट 2020 एग्जाम वाज मॉडरेट. तो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस थे एफकैट 2020 एग्जाम में. जो जिन लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट दिया है एग्जाम्स के, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ. तो द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन द एफकैट 2020 फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एग्जाम टुडे, दैट मीन्स 22 फरवरी को, उन लोग के लिए अगर दे हैव अटेंड 50
क्वेश्चंस करेक्टली, लेट मी टेल यू 50 क्वेश्चंस करेक्टली, तो वो लोग इजीली जो हम लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 150 मार्क्स के जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इजीली वो लोग अचीव कर पाएंगे इफ दे हैव अटेंड 50 क्वेश्चंस correctly, right? They can easily attain the cutoff marks of 150 that we are expecting for AFCAT 2020 exam, right? So people who are looking forward for tomorrow's the second shift of AFCAT 2020 exam, उन लोगों के लिए ये feedback शायद आपको help करेंगे. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि I have you know asked the students to comment about the question paper, what kind of difficulty the questions were of. तो बहुत लोगों ने comment किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले जो है ये इन्होंने लिखा है कि GK tough था, aptitude easy, English previous years questions. तो जिन लोगों ने previous years questions English के practice किए हो, तो they will be much more in an advantageous position. And then someone else written 77 attempts, matlab ki 100 questions mein se this student has attended 77 questions. Maths was easy, 18 attempts. So maths mein आप देख सकते कि 18 क्वेश्चंस आए थे, तो 18 में से 18 क्वेश्चंस ही इन्होंने अटेंड किए हैं. या वोकैब वाज चैलेंजिंग, तो जैसे कि हम बोल चुके हैं आपको पहले ही कि इंग्लिश में जो वोकैबुलरी था, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग आया था. ओवरऑल इजी टू मॉडरेट, सो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे. और किसी और ने लिखा है कि मैथ्स प्लस रीजनिंग, तो यू कैन सी दिस इमोजी ओवर देयर, दैट मींस गुड. फाउंड सम डिफिकल्टी इन जीके एंड इंग्लिश, स्पेसिफिकली सिनो एंटो, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी इन्होंने फेस किया है. ओवरऑल अगर आप पूछेंगे कि आपका 2020 फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एग्जाम कैसा था, तो स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं, वेल इट्स एन इजी वन, फैबुलस ब्रो, इट वाज इजी, इजी दैन लास्ट ईयर, विल क्रॉस 200. तो गॉड ब्लेस कि ये जो स्टूडेंट है उनका जो ड्रीम है, उनका जो आशा है, वो फुलफिल हो. इजी दैन लास्ट ईयर, विल क्रॉस 200. और किसी और ने लिखा है अमेजिंग विद अ हार्ट इमोटिकॉन, राइट? So I hope that the feedback here of the students will help you tremendously, specifically for those who are going to take the second shift of AFCAT 2020 exam tomorrow, that means 23rd of February 2020. So God bless you and all the best. So study hard, work hard, and you can also follow our courses. Hamare courses mein aapko kuch practice questions milenge, mock test bhi hai, to aap last minute wo mock test solve kar sakte hai to you know, in order to be more confident about tomorrow's exam. So please visit our website, please subscribe to our courses, and you can follow the detailed lectures, practice questions and sample papers, even previous years ke solved questions bhi aap dekh sakte ho, aap you can also follow, right? और हमारे जो YouTube के चैनल है SSB Crack Exams के नाम पे, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट भी किए थे AFCAT 2020 पे, और आप वो भी फॉलो कर सकते हो. द क्वेश्चंस विल कम हैंडी टू यू, सो डोंट वरी, टुमारोज एग्जाम विल बी ऑल राइट फॉर यू एस्पिरेंट्स. जो लोग सेकंड बार भी देना चाहते हैं AFCAT इसी साल, तो वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं. एक आइडिया उनका उनके पास ऑलरेडी आ चुका है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है. सो पीपल हु हैव टाइम इनफ टू टेक द नेक्स्ट exam, the next set of exams, they can easily subscribe to our courses, and they can be very, very helpful by the lectures that our eminent teachers and tutors have provided for them. And so if you want to follow us on our YouTube channel, do follow and subscribe. SSB Crack Exams के नाम पे है. हमारे Instagram पेज भी SSB Crack Exams, तो आप वो पेज भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट्स भी दे सकते हैं. एनी सजेशंस इफ यू वांट, यू कैन गेट देयर. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर वेबसाइट learn.ssbcrackexams.com टू नो मोर अबाउट द अदर डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड द कोर्सेज एंड सर्विसेज वी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स एंड द डिफेंस एस्पिरेंट्स. एंड नाउ यू कैन ऑल्सो गेट आवर मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, सो यू कैन डाउनलोड इट ईजिली एंड यू कैन फॉलो आवर कोर्स on your mobile too on the go. तो आई होप कि आपके जो सेकंड शिफ्ट के कल के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, दे विल बी रियली हेल्पफुल बाय टुडेज सेशन दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑन AFCAT 2020 एग्जाम एनालिसिस फॉर द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एग्जाम. सो फॉर द सेकंड शिफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक द एग्जाम टुमारो, ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, मे गॉड ब्लेस यू. सो स्ट्राइव हार्ड एंड यू विल ऑब्वियसली अचीव योर ड्रीम. जय हिंद.